मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने 70 प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। बीएसपी इससे पहले अपनी दो लिस्ट में 150 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम अचल राजभर और प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार द्वारा जारी की गई तीसरी सूची में 70 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, जिसके बाद अब बीएसपी के प्रत्याशियों की संख्या 220 हो चुकी है। पहले मध्य प्रदेश में बीएसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की चर्चा थी, लेकिन गठबंधन की राजनीति फेल रही और बीएसपी सुप्रीमो ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद अब तक बीएसपी 220 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। देखने वाली बात यह होगी कि इस बार एमपी की जनता अपना कीमती वोट देकर किसे सीएम की कुर्सी पर बैठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।